हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी के मासिक टेस्ट यानी मासिक मूल्यांकन जो 2021 का आपको दिया गया है, 20 अंक का यहाँ पर आपके सारे मासिक टेस्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सारे आंसर्स मैं आपको बताने वाली हूँ। 10वीं हिंदी के जितने भी आपके हैं अगस्त मंथ के क्वेश्चन आंसर कम्प्लीट सॉल्यूशन आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आपके मासिक टेस्ट है उसके सभी कम्प्लीट सॉल्यूशन आंसर आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप, फ्रेंड सर्कल ग्रुप में सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए 10वीं हिंदी का शुरुआत करते हैं। तो क्लास 10th हिंदी जो आपकी दो बुकें हैं क्षितिज और कृतिका, दोनों से यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे गए। जैसा मैंने सिलेबस आपको बताया था कि दोनों से आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो 10वीं हिंदी में सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि स्वयं प्रकाश जी लेखक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको थोड़ा सा बता दूँ कौन है ये। तो आपकी जो क्षितिज बुक है उसमें पार्ट यहाँ पर यदि आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट है क्लास 10th की, उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने नेताजी के चश्मा जो है उसके प्रश्नोत्तर भी कराए हुए और साथ ही उसकी समरी भी। तो जो ये नेताजी का चश्मा पार्ट है इनके द्वारा लिखा गया, स्वयं प्रकाश जी के द्वारा। तो यही क्वेश्चन, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अभी इनके ऊपर जो जीवन परिचय वो भी क्वेश्चन है, उसमें हम देख लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से है, यहाँ पर आपको लेखक के पिता लेखक को कहकर क्या पुकारते थे। तो ये जो जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं बता देती हूँ कौन से पार्ट से, ये माता काजल जो आपके कक्षा 10वीं कृति का किताब है ना आपके पास, उसमें से क्वेश्चन है, पार्ट एक ही है माता काजल, उसमें यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, हरामनाथ नहीं है, जो उनके पिताजी लेखक के वो क्या कहते थे, भोलानाथ कहते थे किसको, अपने बेटे को। यानी यहाँ पर क्यों कहते थे, क्योंकि उनके ऊपर जो है शिव शंकर भगवान की जो चोटी रहती है वैसी जो उसकी चोटी उनकी माताजी बनाया करती थी, इस कारण उन्हें भोलानाथ कहा जाता था। तो यहाँ पर आपको रामनाथ नहीं भोलानाथ लिख लेना आंसर, ठीक है, जो कि क्या है आपके ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी भोलानाथ लिखेंगे, रामनाथ नहीं, ठीक है, ये मिस्टेक होगी, तो यहाँ पर आप भोलानाथ लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में आपको आएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न क्रमांक 2 आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है सूरदास जी का जन्म कब हुआ, तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ, सन 1478। इसमें आपको ऑप्शन भी दिए रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी पढ़ने में, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न जो है फिर से नेताजी का जो चश्मा है उससे लिया गया, उसमें के जो लेखक है स्वयं प्रकाश, उनकी कुछ रचनाएं हैं, उनकी रचनाएं दी गई है जैसे यहाँ पर ऑप्शन में भी है। तो उनकी रचना क्या है, ईंधन, जो बहुत प्रसिद्ध उनका उपन्यास है ये है, तो ईंधन जो यहाँ पर है उनका उपन्यास यानी आंसर ईंधन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है सत्य असत्य बताइए, 10वीं हिंदी के हैं। इसमें सबसे पहले माता का आंचल पाठ के जो लेखक है शिव पूजन नहीं है, शिव पूजन जी है यहाँ पर पूछा गया, तो बिल्कुल सही है क्योंकि जो शिव पूजन सहाय है उनके द्वारा ही माता का आंचल लिखा गया, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है सूरदास जी की भाषा जो अवधी है, तो हाँ अवधी ब्रज भाषा मिक्स है, तो बिल्कुल ये भी सत्य, मतलब जो सत्य सत्य में आपके दोनों क्वेश्चन सत्य हैं। प्रश्न क्रमांक 3 हो गया। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, जो कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक शब्द दिया है चंदुआ, इसका अर्थ क्या होता है, तो जो चंदुआ है उसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर, जैसे आपके माताजी पिताजी जो रहते हैं, जो पिताजी वगैरह रहते हैं या जो बाहर रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने कंधों पर एक कपड़ा रखते हैं यानी गमछा थोड़ा सा रखते हैं, उसको भी कई बार कहा जाता है शामियाने, यानी यहाँ पर आप जो रखते हैं उसको भी। और एक क्या होता है यहाँ पर, एक प्रकार से जो यहाँ पर छोटा शामियाना जिसको बताया गया, जैसे हम कागज का जो बनाते हैं वो भी, तो 2-3 प्रकार से इसके अर्थ होते हैं चंदुआ के। तो फिलहाल जो यहाँ पर पाठ है माता का आंचल, उसमें यहाँ पर चंदुआ का अर्थ क्या है, सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ तान कर देने, यहाँ पर बता रहे इसका अर्थ क्या है, छोटा शामियाना, इसका अर्थ आपको एक वाक्य में पूछा गया है, इसके 2-3 अर्थ होते हैं। चलिए आगे है, हालदार ने पान वाले से क्या पूछा, यहाँ पर अगला प्रश्न है। चूंकि एक वाक्य में तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि हारदा ने क्या पूछा कि इस नेताजी की संगमरमर की मूर्ति का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। अब वो दिन रात वहाँ से गुजरता था, देखता था कि हर बार अलग, कभी चपटे फ्रेम के लगे हुए थे, कभी गोल फ्रेम के चश्मे, तो सोचता था ऐसा फ्रेम की कौन बना देता है, यानी यहाँ पर जो नेताजी के चश्मे वो हर दिन कैसे बदलते, ऐसा वो सोचा करता था। बस तो इतना ही क्वेश्चन लिख लेंगे आंसर, सिर्फ इतना कि नेताजी की संगमरमर की मूर्ति का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है, ठीक है। तो ये हो गए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। जो भोलानाथ है माता के आंचल पाठ से, ये बहुत अच्छा पाठ है, इसमें माँ की ममता, पिता का प्यार सब कुछ बताया गया है। तो उसका उत्तर होगा, हमारे विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि वह खेल खेलने का शौकीन था। बच्चों का यह स्वाभाविक गुण होता है कि वे कितने भी रो रहे हो और खेलने का नाम सुनकर तथा साथी बच्चों से मिलकर रोना बंद कर देते हैं। भोलानाथ अपने साथियों के साथ
साथियों के साथ मिलकर क्या करता है, घर घर खेलता, तो कभी नाटक का भी नहीं करता था। अतः इन्हीं कारणों से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता। देखिए जो भोलानाथ है वो क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ, जैसे आप भी, आपका भी एग्जांपल ले लीजिए, आप भी जब अपने दोस्तों के साथ जाते हो तो आप अपने सारे दुख भूल जाते हो, आपको अपने दोस्तों के साथ सिर्फ इंजॉय करना होता है, मस्ती करना होता है। तो बिल्कुल यही भोलानाथ करता था, जब वो अपने दोस्तों के साथ जाता था रोते हुए जाता था, परंतु यहाँ पर आने के बाद में वो कैसा होता था, हंसता खेलता हुआ था, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ सब कुछ भूल जाता था। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गोपियाँ क्या व्यथा सह रही थी और साथ में ही, यहाँ पर आपको बताना है और किसके बल पर सह रही थी, कि या किसके बल पर वो इतनी व्यथा सह रही थी। तो इसका उत्तर क्या होगा, जो गोपियाँ है वो अपनी व्यथा किस कारण यहाँ पर क्या सह रही थी, कृष्ण से दूर होने की, यानी आप लिख देंगे गोपियाँ अपने जो है व्यथा कृष्ण से दूर रहने की सह रही थी। क्या व्यथा थी, वियोग की व्यथा लिख देंगे आप यहाँ पर, ठीक है, ये सभी लिख सकते हैं। और किस बल पर सह रही थी, इस बल पर सह रही थी कि एक न एक दिन श्री कृष्ण ब्रज अवश्य आएंगे उनके पास लौट कर, ठीक है, ये उनकी थी। श्री कृष्ण के वियोग में उन्होंने क्या करा, विरागनी के घी के समान जो उद्धव आया उसने घी में, जो यहाँ पर है अग्नि में घी डालने का कार्य करा। तो आपका उत्तर क्या होगा, कृष्ण के वियोग की व्यथा सह रही थी और किसके बल पर सह रही थी, कि एक न एक दिन कृष्ण अवश्य आएंगे, लौट कर आएंगे। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगला देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, आपको लिखना है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, क्या कारण था। जो यहाँ पर क्या था, प्रतिदिन जो चश्मे बदलता उसको यहाँ पर कैप्टन कहा जाता था, तो वो वैसे तो सेना में भर्ती नहीं था, फिर भी क्यों कहा जाता था, ऐसा आपको बताना है। चलिए देखेंगे उत्तर। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे कि उसके मन में देशभक्ति का भाव तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान भरा हुआ था, वह अपने सिर पर गांधी टोपी तथा आंखों पर काला चश्मा भी लगाता था। तो क्यों कहते थे, क्योंकि उसके मन में जो देशभक्ति भरी थी इसी कारण लोग उसे क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे, ना कि इसलिए कि वो सेना में भर्ती, वो सेना में भर्ती भी नहीं था फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे, इस कारण क्योंकि देशभक्त था। तो देशभक्ति से ही कैप्टन कहलाता है वास्तव में, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपको जो यहाँ पर लेखक है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश जी के द्वारा तो लिखा गया, उनकी दो रचनाएं लिखना है, उनकी भाषा शैली लिखना है और साथ में ही साहित्य में स्थान लिखना है। चलिए जैसा कि मैंने आपको जो क्वेश्चन है फर्स्ट उसमें बताया था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इंदौर। तो यहाँ पर ये तो आपको नहीं लिखना है, फिलहाल आपको दो रचना है। तो मैंने एक रचना बताई थी ईंधन उपन्यास, तो इसको छोड़कर आप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आ चुकी है। तो नंबर अच्छे मिलना चाहते हैं तो आपको अच्छी अच्छी रचना लिखना होगा, तो कौन सी होगी, आएंगे अच्छे दिन भी एक बहुत अच्छी रचना उनकी, और छोटू उस्ताद बहुत अच्छा कहानी संग्रह, ये दो आप प्रमुख रूप से लिख सकते हैं, आप चाहे तो अपने अनुसार छाट सकते हैं, परंतु मेरे ख्याल से आपको ये दो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंटली लिखना चाहिए, दो रचनाओं में एड इसको जरूर करना चाहिए। चलिए इनकी भाषा शैली देख लेते हैं। जो स्वयं प्रकाश जी है जिनकी भाषा शैली हम देखते हैं, उनकी शैली जो सुमधुरन है, आकर्षक शैली है, जो बहुत जल्दी कानों को सुन ले और बोल, यदि कोई बोलते तो बहुत अच्छी लगती है। उनकी भाषा में हिंदी उर्दू तत्सम तद्भव देशी शब्दों का मिला जुला रूप है। मुहावरे लोकोक्तियों का मंजिल प्रयोग भी उनकी रचनाओं में दृष्टिगत होता है। अनेक स्थानों पर उन्होंने अपनी कहानियों में व्यंग्य शैली का प्रयोग कर व्यवस्था पर चोट की है। वह सीधी सरल शब्दावली में गुड़ बात कह देने में निपुण है। उनकी शैली की सहजता और नवीनता पाठक को सहज ही आकर्षित करती है। उनकी शैली की चित्रात्मकता पाठक को बांधे रखती है, पाठक उनके साथ जुड़ाव अनुभव करता है। यह उनकी भाषा शैली की सतर्कता को सह प्रकट करती है, मतलब उनकी भाषा शैली, जैसे आप उनका जो पढ़ोगे, जैसे आपने कैप्टन का नाम पढ़ा होगा, तो जैसे आपने कहानी पढ़ी होगी समरी, या आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से आपको पूरी समरी क्लियर करवाई है, तो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको यदि कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो बहुत अच्छे से बनेंगे, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लेंगे, टेंशन नहीं है आपको, सारे वीडियोस आप आसानी से देख सकते हैं। तो जैसे कि जब वर्णन होता है कैप्टन का, पहले पता नहीं होता है कि कैप्टन कैसा है, परंतु जब वर्णन होता है तब हमारे दिमाग में एक छवि बनती है कि कैप्टन एक वर्दी वाला होगा, जिस पे आर्मी की जो वर्दी है उसने वो पहनी होगी, और बहुत अच्छे तरीके से टोपी वगैरह लगाता होगा। तो ये वर्णन हमारे दिमाग में बन जाता है, परंतु होता है इसके विपरीत, मतलब चित्रात्मक शैली है। चलिए ये भाषा और शैली होगी उनकी, दोनों यहाँ पर लिख लेना है आपको। उसके बाद साहित्य में स्थान देखते हैं। साहित्य में स्थान इनका बहुत अभूतपूर्व है, क्योंकि जो स्वयं प्रकाश की साहित्य पर आदर्शवादी विचारधारा का काव्य प्रभाव है, इनकी कृतियां, इनकी जो रचना है, वो देश में समाज नगर की गांव की सुख समृद्धि देखने की आकांक्षा प्रकट हुई है। भारतीय संस्कृत जीवन मूल्य उनमें प्रभावित हुए। तो इनके जो कहानी में क्या हुआ है, वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, और यहाँ पर उन्होंने कुछ हिंदी कहानी जो है उनमें बहुत अच्छी चीज़ों से वर्णन किया, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं सारा कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कक्षाओं के जो है मासिक टेस्ट, आपके मासिक मूल्यांकन, इनके सभी कक्षाओं के सभी सॉल्यूशन कंप्लीट सब्जेक्ट्स के मिलने वाले हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, आपके सभी दोस्तों को, अपने सभी विद्यार्थी मित्रों को वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
चलिए, एक जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है, उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह लग तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात्र रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महातेल की गागरी बूंद रता को लागे। इतना आपको दिया गया है, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। चलिए संदर्भ देख लेते हैं, क्या संदर्भ है इसका। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद, मतलब जो ये पद्यांश लिया गया है वो आपकी पाठ्य पुस्तक कहाँ से लिया गया है, क्षितिज किताब जो है उसके भाग दो के पाठ है सूरदास के पद यानी पद से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास जी, जो अपनी रचनाओं में वात्सल्य रस का प्रमुखता से प्रयोग करते हैं। तो प्रसंग क्या हो जाएगा, जो प्रसंग हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, गोपियों के बारे में बताया गया, मतलब गोपियाँ उदास है और किस पर व्यंग्य कर रही है, और उद्धव पर व्यंग्य कर रही है। तो प्रसंग हुआ प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव जी की प्रेम संबंधी उदासीनता पर व्यंग्य करते हुए उन्हें बड़ा भाग्यशाली बतलाया है। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे हम। तो व्याख्या क्या होगी, गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि आप तो बहुत भाग्यवान हो जो प्रेम जाल से सदैव दूर रहे। आप इसकी व्याख्या देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी व्याख्या भी कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, क्लास टेंथ के मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं तो उनकी भी वीडियो आप देख सकते हैं। इसको कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से आप डिटेल में इसको समझना चाहते हैं तो मैंने पूरी समरी फिल करवाई है, आप वो देख सकते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करवा दिए हैं। तो जो यहाँ पर तुलना करी गोपिया कि तुम उसके पास रहते हुए भी, कृष्ण के पास रहते हुए उसके प्रेम जाल में नहीं फंसे परंतु हम फंस चुके हैं, ऐसा बता रही है। तो यहाँ पर आप बोल रही है इस प्रकार से, जैसे कमल की फूल की पंखुड़ियाँ उसके पास रहकर नहीं रहती, उन पर नहीं ठहरती, वही वर्णन जैसा मैंने आपको बताया सब कुछ इसमें किया गया। तो ये सारा कुछ आपको इसमें लिख लेना है, तो ये पूरा आप लिख लेंगे। इसका चाहे तो विशेष भी लिख सकते हैं, वात्सल्य इसमें जो है रस विद्यमान है और भाषा जो है यहाँ पर उनकी ब्रजभाषा है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अवधि और ब्रजभाषा दोनों है, विशेष में दो पॉइंट नोट कर लीजिए यदि लिखना चाहे तो। तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 है, बार बार सोचते क्या होगा। तो यहाँ से लेकर आपको कहाँ तक दिया है, इसमें आपको देखना है कि लिखने का मौका, बिकने के मौके ढूंढती है, यहाँ तक क्या आपको दिया गया है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताना है, तो ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया गया, ये पद्यांश लिया गया है नेताजी के चश्मे से। चलिए देखेंगे हम यहाँ पर। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया, क्षितिज भाग दो के पाठ नेताजी का चश्मा से लिया गया है, और इसके जो रचयिता है या लेखक है वो कौन है, स्वयं प्रकाश जी है। ये आपका क्या हो जाएगा, या फिर यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर पाठ का नाम लिख दीजिए, जैसे नेताजी का चश्मा पाठ का नाम हो गया और लेखक हो गया स्वयं प्रकाश, इतना भी लिख सकते हैं संदर्भ में। चलिए प्रसंग में क्या बोला जा रहा है, इन पंक्तियों में हालदार साहब देश विदेशी लोगों की हंसी उड़ाने वाले लोगों पर दुख प्रकट करते हैं। जो नहीं जानते कि यहाँ पर देशभक्ति कितना अच्छा होता है, लेकिन जो देशभक्ति करता है उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो वो यहाँ पर व्याख्या, इसकी कंप्लीट व्याख्या भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है क्लास 10th हिंदी के। एक बार कस्बे का भ्रमण करते हुए हालदार साहब नेताजी की मूर्ति पर किसी प्रकार का चश्मा न देखकर पान वाले दुकानदार से इस विषय में पूछते हैं, तब वो क्या बतलाता है कि साहब चश्मा बेचने वाला कैप्टन मर गया। ऐसा सुनकर हालदार साहब पान वाले को पान के पैसे देकर अपने गंतव्य की ओर चले गए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सुनकर थोड़ा चौंक भी जाते हैं कि कैप्टन अब नहीं रहा। फिर हालदार साहब ऐसे लोगों पर सोचने लगे जो देशभक्त के लिए अपना सर्वस्व यानी अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे करने वालों की क्या होती है, हंसी उड़ाती दुनिया और तथा स्वयं के क्या करती है, लाभ के अवसर ढूंढती है। ऐसा सोचकर हालदार साहब क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते। तो आपको केवल यहीं तक लिखना है क्योंकि यहाँ से जो है नेक्स्ट पैराग्राफ चला जाता है। तो हालदार साहब क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्या सोचकर कि जो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपने देश के लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं उनका ही मजाक उड़ाया जाता है। ये सब कुछ आपको यहाँ तक लिख देना है। ऐसा सोचकर हालदार साहब दुखी हो जाते हैं, यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ये पूरी संदर्भ जो है गद्यांश की पूरी व्याख्या सहित यहाँ पर हमने देखा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशन मासिक टेस्ट के सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।